तो कैसे आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ शेप्स की, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शेप्स हमें बनानी है। ठीक है, तो हमें कैसे शेप्स बनानी है, हम इसके थ्रू अपने चैप्टर को समझ सकते हैं कि शेप्स के अंदर कितने साइड्स होती हैं, कॉर्नर्स होती हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी ये बनाते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है बेटा, जैसे कि देखो ये एक क्या है, रेक्टेंगल। देखकर दिख रहा है ना कि हाँ ये रेक्टेंगल है। तो आप इसको एक सिंपल शीट लोगे, वो भी बिल्कुल हार्ड शीट लेना, थिक वाली, पतली मत लेना, उससे पता नहीं चलेगा आप लोगों ने क्या शेप बनाई है। ठीक है, हार्ड वाली लेना, उसके पीछे आप कार्डबोर्ड भी पेस्ट कर सकते हो, मतलब थिक, उसके पीछे कोई भी चीज़ें पेस्ट कर सकते हो। देन उसको रेक्टेंगल की शेप्स में काट कर आप कोई भी शेप बना सकते हो। रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है, सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोई भी शेप आप बना सकते हो जो भी आपके माइंड में है। आप कुछ इसे कलर कर कर, बाउंड्रीज कर कर, और आप उसको अच्छे से दिखा सकते हो कि ये कौन सी शेप है। तो आपको ये देख के इजीली दिख पा रहा होगा कि ये कौन सी शेप है। यस, तो दिस इज द शेप ऑफ रेक्टेंगल। द नेक्स्ट आई हैव मेड दिस स्क्वायर, देख के पता चल रहा है ये स्क्वायर है। आप इसे और भी डेकोरेट कर सकते हो, मैंने इसे सिंपल वे में बना रखा है एक शीट पर, उसके ऊपर उसे बाउंड्रीज कर रखी हैं और एक थिक शीट ली है ताकि हम इसको अच्छे से पेस्ट कर सकें और इसको यूज़ कर सकें। इसको हम पढ़ते समय अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, हमें जब पता चलेगा कि इसके अंदर कितने साइड्स होती हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, तो ये सब हम इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को ये ड्रॉ करना है इसी तरीके से। ये पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, देन ये काइट। तो आप और भी बहुत सारी रोम्बस, जिसको हम काइट बोल देते हैं, तो आप और भी बहुत सारी शेप्स बनाकर ला सकते हो। सिलेंडर भी बना सकते हो, क्यूब बना सकते हो, क्यूबॉइड भी बना सकते हो। बेसिकली ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए ही बनाई थी, ये दिखाने के लिए कि शेप्स बनती बनानी कैसे है, ताकि हम इसको अपने क्लासरूम्स में भी लगा सकते हैं। और हम पढ़ने में, अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं शेप से रिलेटेड, तो हम इसको देखकर अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये शेप्स हैं, और ये बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है समझने में। जितना हम बुक से नहीं रीड कर पाते, सिर्फ पढ़ना, रीडिंग करना इज़ नॉट इनफ, तो इसलिए हम इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं शेप्स के थ्रू कि कितनी कॉर्नर्स हैं, कितने साइड्स हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ने में। इनोवेटिव वे हो जाता है, क्रिएटिव माइंड हो जाता है। तो होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो और समझ आया होगा कि बनाना कैसा है। आप देख सकते हो इसे इजीली, एक मैंने हार्ड शीट ली है, देन उसके बाउंड्रीज मैंने कर दी हैं, देन मैंने कलर्स कर दिया है, उसके ऊपर मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है सिंपल सा। ठीक है, और बेटा ये आपको खुद करना है, हेल्प मत लेना। अब आप बड़े हो जाओगे, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाओगे, तो आपको अब ये चीज़ आनी चाहिए। तो आपको खुद से करना है, इजी है, अच्छे से करना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क करना। ठीक है बेटा, तो आप कोई भी शेप्स बना सकते हो। अगर किसी को कोई भी डाउट हो कि ये कैसे बनेगा, क्या नहीं समझ आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो मैं इसके लिए एक प्रॉपर अच्छे से दूसरी वीडियो डाल दूँगी बनाने की, ये बनेगा कैसे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट कर कर। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।